हेलो गाइस, अगर आप टिकटॉक चलाते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। यानी टिकटॉक को बैन करने के लिए पूरा जो आपका इंडिया है उठ के पढ़ के लग चुका है। यानी उसको बैन करने के लिए पूरा जो इंडियन है वो उसका जो रेटिंग्स है उसको घटा चुका है। यानी जिसके पास टिकटॉक इंस्टॉलेशन है वो अभी इंस्टॉल कर रहा है। तो आप सोच रहे हैं हाउ इट्स पॉसिबल। हाँ दोस्तों, जब इसका टिकटॉक का जो रेटिंग था वो 4.4 था और अभी इसका जो रेटिंग्स है वो 2.0 आ गया। यानी आप अगर चाइना को हेटिंग करते हैं, यानी आप चाइना को अगर गलत नज़र से देखते हैं, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और सीखना चाहिए। यानी मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। यानी आप सभी को मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को यानी मेरे इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बगल में जो आपका बेल आइकन है जिसको जरूर अलाउ कर दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए इस तरह का नया ट्रिक्स एंड टॉपिक्स लेके हाजिर होता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं भी टिकटॉक को लगातार एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जितना अच्छा लगा या नहीं लगा वो अब मैं जरूर आपको शेयर करूँगी। और इसमें बहुत सारे सिस्टम्स है जो टिकटॉक में नहीं है और इसमें जरूर होना चाहिए था। यानी सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी, टिकटॉक जो अपना सिस्टम्स है, जैसे आपका फेसबुक यूट्यूब है, वो या लाइक एंड डिसलाइक बटन होता ही है, मगर टिकटॉक में आपका डिसलाइक बटन नहीं है। यानी अगर आपको वीडियो को अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, मगर टिकटॉक में आप नहीं कर पाएंगे। यानी जो बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि मेरे इस वीडियो में डिसलाइक आया है और इस वीडियो को पसंद नहीं करता है टिकटॉक जो यूज़र्स। और एक बात, सबसे टिकटॉक यूज़र्स से जो जितना भी है, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जो आप जो वीडियो अपलोडिंग करते हैं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सा कंटेंट अपलोडिंग कर रहे हैं। यानी आपका जो अपलोडेड कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए और ज़रूर एडुकेशन होना चाहिए। कभी कभी हम लोग टिकटॉक में ऐसा कुछ वीडियो सामने आ जाता है, यानी आई होप आप सोचेंगे अगर आपका एज 18 इयर्स बिलो है, यानी आपका एज 18 इयर्स बिलो यानी आप चाइल्ड्स है, तो आपका टिकटॉक एक सबसे गलती है। टिकटॉक का जो यानी आपका जो एजेस है उस हिसाब से आपके पास वीडियोस या नहीं आता है। यानी आप रेंडम जब भी वीडियो डालते हैं तो यानी आप वीडियो टिकटॉक देखते हैं और वीडियो डालते हैं जब भी, तो आपको रेंडमली एक कोई कैटेगरी वाइज नहीं होता है। यानी जैसे कि यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ कैटेगरीज वाइज होता है, जैसे कि मेड फॉर किड्स एंड मेड फॉर नॉन किड्स, इस तरह से कुछ होता है, मगर टिकटॉक में इस तरह का कुछ आपका कैटेगरी बना हुआ नहीं रहता है। इसलिए मैं इसको जरूर टिकटॉक को पसंद करना नहीं चाहूँगी। और एक बात, सबसे पहले इसमें आपका प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी नहीं है। यानी आप टिकटॉक को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के टाइम पे जो आपका प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी, आपका जितना भी ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर हो गया, आपका डिटेल्स भी, जब भी आप टिकटॉक को इंस्टॉलेशन करते हैं, करने के बाद आप अलाउ बटन जो है उसको आप अलाउ कर देते हैं, जैसे कि मीडिया फाइल हो गया, आपका मैसेजिंग, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट जो भी है आप उसको अलाउ कर देते हैं। आप जब भी इसको अलाउ करते हैं, जो टिकटॉक है वो आपका जो डिटेल्स डाटा है वो इंस्टॉलेशन करता है। इंस्टॉलेशन करने के बाद वो क्या काम में लगाता है वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो अगर आप और मैं चाइना को कितना हेटेड करता है वो तो हमको पता ही है। तो इसलिए वो मेरा जो आपका और मेरा जो डिटेल्स यानी डाटा क्या काम में लगाता ही नहीं, बुरा काम पे या अच्छा काम पे वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है। तो और एक सिस्टम इसमें है जो आपका जो टिकटॉक जो सिस्टम से ना, कभी कभी ऐसा कंटेंट आ जाता है कि आप चाह कर भी वो देख नहीं सकते। सबसे पहले बात है, चाह कर भी आप यानी आप उसको देखना नहीं चाहेंगे, फिर भी आपके सामने वो इजीली रैंडमली आ जाता है ऐसा कुछ।
और सबसे पहले अभी जो हलाली होता है कि बच्चे भी यानी आपका जो 18 बिलो 18 इयर्स का जो बच्चे है वो इजीली टिकटॉक को अभी यूज करने लगा है और इसको चलाने लगा है। तो जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने बताया है मेक इन इंडिया का यूज कीजिए और भारतवर्ष को यानी इंडिया को एक मजबूत शक्तिशाली देश बनाइए। इसलिए पूरा इंडिया जो है चाइना को बैन करने के लिए जुटा हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हम सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे व्यूअर्स जितने हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप लोग इस चाइना को बैन करने के लिए इंडिया के जो गवर्नमेंट है यानी मेरे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को एक सपोर्ट कीजिए और आप भी इससे जुड़े रहिए और दूसरों को भी बताइए। तो सबसे पहले टिकटॉक तो होने जा रहा बैन और आई होप इसको जरूर बैन करने के लिए हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो देखिए छोटा सा वीडियो है, वीडियो को कैसा लगा मुझे पता नहीं, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगर बुरा लगता है फिर भी कीजिएगा, अच्छा लगता है फिर भी कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर दबाना और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।